रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB रिक्वायरमेंट जो निकाली गई भर्ती है वो है असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP। ऑल ओवर इंडिया पे ये जो है एग्जामिनेशन होंगे इसके लिए, इस पोस्ट के लिए भर्ती रखी जा रही है असिस्टेंट लोको पायलट। अब हम लोग जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो 20 जनवरी 2024 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन जो कि ये चूंकि ऑनलाइन सबमिशन करनी है 19 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है और जो एग्जामिनेशन जो फीस है वो भी 19 फरवरी 2024 तक ही रखी गई है। इस डेट तक फीस जमा कर देना है। अगर कोई करेक्शंस है फॉर्म में तो 20 से 29 फरवरी के बीच तक ये करेक्शंस का पोर्टल चालू रहेगा, इस पर कोई भी करेक्शंस है मॉडिफाई आप कर सकते हो। तो इस डेट को ध्यान देना कि 19 फरवरी 2024 लास्ट डेट है, ऑनलाइन भरना है असिस्टेंट लोको पायलट। एग्जाम डेट RRB अपने शेड्यूल के अनुसार निकालेगी और एडमिट कार्ड जो है बाद में नोटिफाइड हो जाएगा उनके मेल आईडी पे या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल पे बता दिया जाएगा। अब जान लेते हैं हम एलिजिबिलिटी की ओर, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई। इस पर केवल 10th पास मैट्रिक होना चाहिए लेकिन ITI उसका कंप्लीट होना चाहिए, NCVT या SCVT के से अप्रूव्ड, क्लास 10th होना चाहिए मैट्रिक विथ ITI फ्रॉम NCVT SCVT के माध्यम से होना चाहिए सर्टिफाइड। अब उनके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए फिटर में इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल विंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, रेफ्रिजरेशन एंड AC और क्लास 10th विद डिप्लोमा। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट थोड़ा सा दूसरा आ गया है। या तो ये सब होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर इलेक्ट्रीशियन में और जो कि मैंने बताया वायरमैन ट्रैक्टर विंडर टर्नर इंजन रेफ्रिजरेंट एंड AC पे, या तो और का मीन्स है या तो क्लास 10th होना चाहिए विद डिप्लोमा के साथ, यानी मैकेनिकल में डिप्लोमा हो जाए, इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल्स में या इंजीनियरिंग में, या तो BE करके रखा हो। यहाँ पे एक और पार्ट हो गया यहाँ पे, या तो वो BE होना चाहिए या BTEC होना चाहिए, डिग्री कोर्सेज उनके पास होने चाहिए मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मोर एलिजिबिलिटी। तो नोटिफिकेशन जो दी गई है जिसकी लिंक मैंने नीचे दे दी डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब आगे हम इसके बारे में बताएंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी जो भी आते हैं वो 500 रुपीज लगना है और SC ST OBC या EWS के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 250 रुपये मात्र उनको देना होगा और जितनी भी गर्ल्स हैं जो फीमेल्स हैं उनको भी 250 रुपये ही लगेगा, चाहे वो जनरल की हो या ST SC OBC EWS कोई भी हो। अगर वो गर्ल्स है तो 250 रुपये लगेगा या SC ST OBC EWS है तो 250 रुपये मात्र देना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल वालों के लिए केवल 500 रुपये है बॉयज में। मेल पे आफ्टर अपीयर द Stage 1 एग्जामिनेशन आपका फीस जो है कम से कम 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। SC ST OBC EWS के लिए जो रिफंड अमाउंट है वो टोटल 250 रुपये है जो कि मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फीस अगर पे करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से इसको पे किया जा सकता है। अब एप्लीकेशन क्राइटेरिया के बारे में अगर हम जान लें तो इसके बारे में ऐसा है कि एज लिमिट जो बताई गई है वो 1 जुलाई 2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक उनकी जो एज है 18 होनी चाहिए और 30, 18 से 30 के बीच होनी चाहिए, या तो 18 को हो जाए और 30 से ऊपर ना हो। बाकी अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड
अपने अनुसार जो भी है वो 2024 वैकेंसी रूल्स के माध्यम से वो उसमें छूट देगा। आप अगर फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, आप भर सकते हो। यहाँ पे वैकेंसी टोटल पोस्ट की बात करता हूँ, 5,696 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। 5,696 पोस्ट जो है भरनी है आरआरबी को, इसलिए आप इस मौके को ना गंवाएं, इस फॉर्म को भर दें। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इस डिस्कशन में मैंने लिंक डाल दी है, और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्कशन पे ये लिस्ट लिंक जो है डाल दिया, आप क्लिक करके ऑनलाइन जो पोर्टल खुल जाएगा उससे आप भर सकते हैं, और किसी से एमपी ऑनलाइन वालों से भरवा भी सकते हैं। तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जो पोस्ट निकाली वो है, केवल ध्यान दें असिस्टेंट लोको पायलट की, इसको ध्यान देना।